पर खेलेंगे, उसका प्लेयर लिस्ट टोटल जमा करेंगे। माली ब्रदर, आप भी अपना प्लेलिस्ट कमेटी को जमा करेंगे। माली ब्रदर, माली ब्रदर, आपका कोई टीम मैनेजर है या फिर कोई भी टीम सदस्य कमेटी के पास प्लेलिस्ट जमा करें, ताकि हम अपना आप सभीयों का परिचय हम दे सकें सभी लोगों के सामने। और क्योंकि जर्सी नंबर से आपका पहचान नहीं हो सकता, इसलिए आप कमेटी से पेपर लेके जाएं, अपना प्लेयर का नाम, कप्तान का नाम और कोई भी अगर आपका एक्स्ट्रा खिलाड़ी होगा उसका भी नाम दर्ज करके आप इसमें जमा करेंगे। चलिए चलते हैं अब पेनाल्टी की ओर, मायंस स्पोर्टिंग और बिहार टाइगर्स के बीच, जो कि रनिंग मैच के दरमियान दोनों ही टीमों ने 0-0 की बराबरी पर समापन हुई थी और इसी का सहारा लेकर दोनों ही टीम पेनाल्टी में उतरी है, मायंस स्पोर्टिंग और बिहारी टाइगर। एक गोल मायंस स्पोर्टिंग के और से, देखते हैं बिहारी टाइगर का पहला किक। बेहतरीन बचाव करता हुआ मायंस स्पोर्टिंग। चलिए एक मौका यहां पर मिला है मायंस स्पोर्टिंग को अपनी टीम के लिए। और बिहारी टाइगर देखते हैं कि आगे जो दो मौके हैं गोलकीपर कितना लाभ देते हैं अपनी टीम के लिए। दूसरा किक मायंस स्पोर्टिंग का, और चूंकि पहला किक गोल में तब्दील हो चुकी है, और छका था ये दूसरा किक दूसरा गोल में तब्दील मायंस स्पोर्टिंग। टुडू बिहारी टाइगर के सदस्य संकट टुडू, आप कमेटी से संपर्क करके, बिहारी टाइगर के सदस्य संकट टुडू, आप कमेटी से संपर्क करके। चलिए दूसरा किक हुई अभी तक का, दूसरा किक में एक मौका यहां पर हो सकता है बिहारी टाइगर्स को, एक गोल हुई है। Thank you.
आखिरी मौका यहाँ पर बिहारी टाइगर्स के गोलकीपर्स के पास। एक गोल अगर बचाने में सफल हो जाते हैं तो संभवतः टॉस के मैदान से इसका निर्णय लिया जाएगा। कमेटी के सामने जो भी दर्शक हैं भाई, आपसे बार बार यही कहा जा रहा है कि बैठ जाएं। कमेटी के सामने जितने भी दर्शक हैं, विनिंग टीम